हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर के थ्योरेटिकल पेपर का सिलेबस। तो इसका कोर्स कोड है PHY 203 और इसका टाइटल है मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और यह 4 क्रेडिट का थ्योरेटिकल पेपर है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें 2 पार्ट्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यदि इस कोर्स को हम जो पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेते हैं, इसका जो कोर्स आउटकम जो आएगा वो क्या होगा ये हम देख लेते हैं। तो इससे जो है कि कोर्स आउटकम पहला मिलेगा कि वी विल बी एबल टू रिकग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन न्यूटोनियन एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। दूसरा आउटकम होगा कि अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंसिक्वेंसेज ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। थर्ड कंसिक्वेंसेज होगा या आउटकम जो इसका आएगा वो होगा वी कैन एबल टू कंप्रहेंड द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। फोर्थ आउटकम जो होगा इसका होगा डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाउंडेशनल आस्पेक्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फिफ्थ कोर्स आउटकम होगा स्टडी दी कंपैरिजन बिटवीन वेरियस बायसिंग टेक्निक्स। सिक्स होगा इसका आउटकम स्टडी दी क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स। सेवेंथ जो होगा ये होगा कंप्रिहेंड द यूज ऑफ फीडबैक एंड ऑसिलेटर्स। और एट्थ होगा कंप्रिहेंड द थियरी एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स एलॉन्ग विथ इट्स एप्लीकेशंस। तो अब आइए देखते हैं डिटेल सिलेबस। पार्ट ए जिसमें मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस किया जाएगा, इसमें 4 यूनिट्स हैं और इनका 1 बाय 1 हम लोग डिटेल सिलेबस देखेंगे। यूनिट 1 यह है रिलेटिविस्टिक एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ टाइम एंड स्पेस इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, न्यूटोनियन रिलेटिविटी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अटेम्प्ट्स टू लोकेट द एब्सोल्यूट फ्रेम, माइकलसन मोरेल एक्सपेरिमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नल रिजल्ट, आइंस्टीन्स पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। यूनिट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे जो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक काइनेमेटिक्स। इसमें हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ टाइम एंड स्पेस इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड डेरिवेशन ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इसमें 4 वेक्टर फार्मूलेशन इंक्लूडेड है। इसके बाद कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, डेरिवेशंस एंड एग्जाम्पल इंक्लूडेड। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिमिल्टिनिटी, इसमें रिलेटिविटी ऑफ सिमिल्टिनिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ दैट इज लेंथ कंट्रैक्शन, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम दैट इज टाइम डायलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी दैट इज रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास दैट इज वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास दैट इज आइंस्टीन मास एंड एनर्जी रिलेशन एंड एनर्जी एंड मोमेंटम। थर्ड यूनिट इन एडिक्वेंसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें हमें पढ़ना है पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट एंड देयर एक्सप्लेनेशंस बेस्ड ऑन मैक्स प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, वेव पार्टिकल ऑफ वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स जिसमें लुइस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स एंड देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाई
डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। फोर्थ यूनिट होगा इसमें इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैटर वेव्स, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वेवलेंथ, कंसेप्ट ऑफ वेव ग्रुप एंड ग्रुप या पार्टिकल वेलोसिटी, दैट इज वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटीज, वेव फंक्शन में पढ़ेंगे फंक्शनल फॉर्म, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन बेस्ड ऑन बॉर्न रूल्स। अब आइए बात करते हैं पार्ट बी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी फोर यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है ट्रांजिस्टर बायसिंग, इसमें हमें पढ़ना है फेथफुल एम्पलीफायर एंड नीड फॉर बायसिंग, स्टेबिलिटी फैक्टर्स एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग, वी सर्किट फॉर सी कॉन्फ़िगरेशन, सी मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, फिक्स्ड बायस जिसमें है बेस रजिस्टर मेथड, नेक्स्ट है एमीटर बायस जिसमें पढ़ना फिक्स्ड बेस एंड एमीटर रजिस्टर, इसी में आगे है कलेक्टर टू बेस बायस जिसमें बेस बायस विद कलेक्टर फीडबैक एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस, इसके बाद है डिस्कशन ऑफ एमीटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड यूनिट है यूनिट टू, इसमें हमें एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ना है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशंस, इसमें आएगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी एंड क्लास डी एम्पलीफायर्स। इसके बाद है स्टेट्स, इसमें आएगा सिंगल, मल्टी स्टेट, कास्केड एंड कास्कोड कनेक्शंस। नेक्स्ट है कपलिंग मेथड्स, कपलिंग मेथड में आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट एंड एलसी कपलिंग्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आगे पढ़ना इसमें नेचर ऑफ एम्पलीफिकेशन, इसमें वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफिकेशन एंड फ्रिक्वेंसी कैपेसिटीज़ में पढ़ना है एएफ, आईएफ, आरएफ, एमवीएफ। नेक्स्ट थियरी एंड वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर, इसमें यूजेज ऑफ वेरियस रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स एंड फ्रिक्वेंसी रिस्पांस एंड ट्रांसफार्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर, इसमें हमें कैलकुलेशन ऑफ पावर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यूज ऑफ हीट सिंक एंड पावर डिसिपिएशन। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीफायर एफिशिएंसी, इसमें पावर एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए सीरीज फेड, क्लास ए ट्रांसफार्मर कपल्ड, क्लास बी सीरीज फेड एंड क्लास बी ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर्स। यूनिट थ्री है फीडबैक एंड ऑसिलेटर सर्किट्स, इसमें हमें फीडबैक सर्किट्स में पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज संट, करेंट सीरीज एंड करेंट संट फीडबैक, कनेक्शन टाइप्स एंड देयर यूजेस फॉर स्पेसिफिक एम्पलीफायर्स, इस्टीमेशन ऑफ इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, गेन, स्टेबिलिटी, डिस्टॉर्शन, नॉइज एंड बैंडविड्थ फॉर वोल्टेज सीरीज नेगेटिव फीडबैक एंड देयर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन टाइप्स। नेक्स्ट ऑसिलेटर सर्किट्स में हमें पढ़ना है यूज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक फॉर ऑसिलेटर ऑपरेशन, बर्कहाउजन क्राइटेरिया फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, फीडबैक फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एंड विन ब्रिज ऑसिलेटर, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ रिएक्टिव नेटवर्क फीडबैक ऑसिलेटर, ट्यून्ड ऑसिलेटर सर्किट भी इसे बोलते हैं,
इसमें हार्टले एंड कार्पेट ऑसिलेटर्स पढ़ना। यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स, इसमें है बेसिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, लाइट प्रोपगेशन थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर, एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ फाइबर लूजेस या लॉस, फाइबर लॉसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, सजेस्टेड रीडिंग्स मीन्स इसमें जो रेफरेंसेस हैं ये कौन कौन से बुक्स के। पार्ट ए के लिए एक बुक है ए बाइजर शोभित महाजन की कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जो कि स्पेशल इंडियन एडिशन है मैग्रो हिल का 2009 का, ये 6 एडिशन है। दूसरा आप फॉलो कर सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, ये जो है कि प्रिंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2003 का 2nd एडिशन है, जो कि जे आर टेलर, सी जे जेफिरेटर्स, माइकल ए डुप्शन इनकी बुक है ये। थर्ड आप ले सकते हैं आर एस सीवे, सी जे मोसेस एंड सी ए मोयर, मॉडर्न फिजिक्स है ये देख सकते हैं। चौथा जो है कि रेसनिक का है इंट्रोडक्शन टू स्पेशल थियरी, ये भी आप देख सकते हैं। फिफ्थ है ये जो है मॉडर्न फिजिक्स, ये चांद पब्लिकेशन का 2019 का 18 एडिशन, ये भी देख सकते हैं। पार्ट बी के लिए जो है एक बुक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थियरी, प्रिंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2015-11 एडिशन, जो कि वॉलेंस्टेन लेसनिक का है। और इसमें नेक्स्ट बुक है एक है मिलमैन हेल्कियास का है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। नेक्स्ट तीसरी बुक है ये स्ट्रीटमैन बनर्जी का है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक राइडर की है इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट जो है कि जॉन एम सीनियर की है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। 6 एक है जॉन विल्सन की एक बुक है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस, और 7th बुक है गुप्ता एंड कुमार की है हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रगति प्रकाशन मेरठ। तो ये बुक्स हैं जो आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके जो प्रैक्टिकल पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।